तो उनकी कौम में जो लोग सरदार थे जो तकब्बुर करते थे वो कहने लगे कि शुएब, या तो हम तुमको और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं उनको अपने शहर से निकाल देंगे, या तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ। उन्होंने कहा, खा हम तुम्हारे दीन से बेजार ही हो तो भी, अगर हम इसके बाद कि अल्लाह हमें इससे नजात बख्श चुका है तुम्हारे मजहब में लौट जाएं, तो बेशक हमने अल्लाह पर झूठ बांधा और हमें शाया नहीं कि हम इसमें लौट जाएं। हां, अल्लाह जो हमारा परवरदिगार है वो चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज का इहाता किए हुए है। हमारा अल्लाह ही पर भरोसा है। ए परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे, और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और उनकी कौम में से सरदार लोग जो काफिर थे कहने लगे कि भाइयों, अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो बेशक तुम खसारे में पड़ गए। तो उनको जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। ये लोग जिन्होंने शुएब की तकजीब की थी ऐसे बर्बाद हुए थे कि गोया वो उनमें कभी आबाद ही नहीं हुए थे। गरज, जिन्होंने शुएब को झुटलाया वो खसारे में पड़ गए। फिर शुएब उनमें से निकल आए और कहा कि भाइयों, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिए और तुम्हारी खैरखाही की थी, तो मैं काफिरों पर अजाब नाजिल होने से रंजोगम क्यों करूं? और हमने किसी शहर में कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वहां के रहने वालों को जो ईमान न लाए दुखों और मुसीबतों में मुब्तला किया ताकि वो आजिजी और जारी करें। फिर हमने तकलीफ को आसूदगी से बदल दिया, यहां तक कि वो मालो औलाद में ज्यादा हो गए तो कहने लगे कि इसी तरह का रंज राहत हमारे बड़ों को भी पहुंचता रहा है। तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया और वो अपने हाल में बेखबर थे। और अगर उन बस्तियों के लोग ईमान ले आते और परहेजगार हो जाते तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकत के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो तकजीब की, सो उनके आमाल की सजा में हमने उनको पकड़ लिया। क्या बस्तियों के रहने वाले इससे बेखौफ हैं कि इन पर हमारा अजाब रात को वाके हो और वो बेखबर सो रहे हों? और क्या अहले शहर इससे निडर हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आनाजिल हो और वो खेल रहे हों? क्या ये लोग अल्लाह के दांव का डर नहीं रखते? सुन लो कि अल्लाह के दांव से वही लोग निडर होते हैं जो खसारा पाने वाले हैं। क्या उन लोगों को जो अहले जमीन के मर जाने के बाद जमीन के मालिक होते हैं ये अम्र मूजिबे हिदायत नहीं हुआ कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत डाल दें और उनके दिलों पर मोहर लगा दें कि कुछ सुन ही ना सकें? ये बस्तियां हैं जिनके कुछ हालात हम तुमको सुनाते हैं, और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए मगर वो ऐसे नहीं थे कि जिस चीज को पहले झुटला चुके हों उसे मान लें। इसी तरह अल्लाह काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है, और हमने उनमें से अक्सर लोगों में अहद का पास नहीं देखा, और उनमें अक्सरों को देखा तो बदकार ही देखा। फिर उन पैगंबरों के बाद हमने मूसा को निशानियां देकर फिरौन और उसके दरबारियों के पास भेजा तो उन्होंने उनके साथ कुफ्र किया। सो देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम क्या हुआ। और मूसा ने कहा कि है फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूं, मुझ पर वाजिब है कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ कहूं सच ही कहूं। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं, सो बनी इसराइल को मेरे साथ जाने की रुख्सत दे दीजिए। फिरौन ने कहा, अगर तुम निशानी लेकर आए हो तो अगर सच्चे हो तो लाओ दिखाओ। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी तो वो उसी वक्त एक बड़ा अजदहा बन गई, और अपना हाथ गरीबान से निकाला तो उसी दम देखने वालों की निगाहों में सफेद बुराक यानी रोशन हो गया। तो कौम फिरौन में जो सरदार थे वो कहने लगे कि यह बड़ा माहिर जादूगर है, इसका इरादा यह है कि तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, भला तुम्हारी क्या सलाह है? उन्होंने फिरौन से कहा कि फिलहाल मूसा और इसके भाई के मामले को मौकूफ रखिए और शहरों में नकीब रवाना कर दीजिए कि तमाम माहिर जादूगरों को आपके पास ले आए। चुनाचे ऐसा ही किया गया, और जादूगर फिरौन के पास आ पहुंचे और कहने लगे कि अगर हम जीत गए तो हमें सिला तो अता कीजिएगा ना? फिरौन ने कहा, हां जरूर, और इसके अलावा तुम मुकर्रबों में दाखिल कर लिए जाओगे। जब फरीकैन रोजे मुकर्रा पर जमा हुए तो जादूगरों ने कहा कि मूसा, या तो तुम जादू की चीज डालो या हम डालते हैं। मूसा ने फरमाया, तुम ही डालो। सो जब उन्होंने जादू की चीजें डाली तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया यानी नजरबंदी कर दी, और लाठियों और रस्सियों के सांप बना बनाकर उन्हें डरा डरा दिया और बहुत बड़ा जादू दिखाया,
और उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि तुम भी अपनी लाठी डाल दो। तब वो फौरन सांप बनकर जादूगरों के बनाए हुए सांपों को एक एक करके निगल जाएगी। आखिर हक साबित हो गया और जो कुछ वो लोग करते थे बातिल हो गया। चुनाचे इस मौके पर वो मगलूब हो गए और जलील होकर रह गए। और ये कैफियत देखकर जादूगर सजदे में गिर पड़े, कहने लगे कि हम सब जहानों के परवरदिगार पर ईमान लाए, यानी मूसा और हारून के परवरदिगार पर। फिरौन ने कहा, पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं, तुम इस पर ईमान ले आए। बेशक ये फरेब है जो तुमने मिलकर शहर में किया है, ताकि अहले शहर को यहां से निकाल दो, सो अनकरीब इसका नतीजा मालूम कर लोगे। मैं पहले तो तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काट दूंगा, फिर तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। वो बोले कि हम तो अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और इसके सिवा तुझको हमारी कौन सी बात बुरी लगी है कि जब हमारे परवरदिगार की निशानियां हमारे पास आ गईं तो हम उन पर ईमान ले आए। ए परवरदिगार, हम पर सब्र इस्तेकामत की दहाने खोल दे और हमें फरमाबरदारों की हालत में वफात दीजियो। और कौम फिरौन में जो सरदार थे कहने लगे कि क्या आप मूसा और उसकी कौम को छोड़ दीजिएगा कि मुल्क में खराबी करें और आपको और आपके माबूदों को छोड़ दें। उसने कहा कि हम उनके लड़कों को तो कत्ल कर डालेंगे और लड़कियों को जिंदा रहने देंगे, और बिला शुबा हम उन पर गालिब हैं। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह से मदद मांगो और साबित कदम रहो, जमीन तो अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका मालिक बनाता है, और अंजाम तो परहेजगारों ही का भला होता है। वो बोले कि तुम्हारे आने से पहले भी हमको अजियतें पहुंचती रहीं और तुम्हारे आने के बाद भी। मूसा ने कहा कि करीब है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुम्हें जमीन में खलीफा बनाए, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। और हमने फिरौनियों को खुश्क सालियों और मेवों के नुकसान में पकड़ा ताकि वो नसीहत हासिल करें, सो जब उनको आसाइश हासिल होती तो कहते कि हम इसके मुस्तहिक हैं, और अगर सख्ती पहुंचती तो उसे मूसा और उनके रफीकों की बदशगुनी बताते। देखो, इनकी बदशगुनी अल्लाह के यहां मुकद्दर है, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। और कहने लगे कि तुम हमारे पास था कोई भी निशानी लाओ ताकि उससे हम पर जादू करो, मगर हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो हमने उन पर तूफान और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून, कितनी खुली हुई निशानियां भेजी, मगर वो तकब्बुर ही करते रहे और वो लोग थे ही गुनाहगार। और जब उन पर अजाब वाके होता तो कहते कि मूसा, हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ करो जैसा उसने तुमसे अहद कर रखा है, अगर तुम हमसे अजाब को टाल दोगे तो हम तुम पर ईमान भी ले आएंगे और बनी इसराइल को भी तुम्हारे साथ जाने की इजाजत देंगे। फिर जब हम एक मुद्दत के लिए जिस तक उनको पहुंचना था उनसे अजाब दूर कर देते तो वो फौरन अहद को तोड़ डालते। तो हमने उनसे बदला लेकर ही छोड़ा कि उनको समंदर में डुबो दिया, इसलिए कि वो हमारी आयतों को झुटलाते और उनसे बेपरवाही करते थे। और जो लोग कमजोर बनाए जाते रहे उनको हमने जमीन शाम के मशरिक व मगरिब का, जिसमें हमने बरकत दी थी, वारिस कर दिया। और बनी इसराइल के बारे में उनके सब्र की वजह से तुम्हारे परवरदिगार का वादा नेक पूरा हुआ। और फिरौन और कौम फिरौन जो महल बनाते और अंगूर के बाग जो छतरियों पर चढ़ाते थे, सबको हमने तबाह कर दिया। और हमने बनी इसराइल को समंदर के पार उतारा तो वो ऐसे लोगों के पास जा पहुंचे जो अपने बुतों की इबादत के लिए बैठे रहते थे। बनी इसराइल कहने लगे कि मूसा, जैसे इन लोगों के माबूद हैं, हमारे लिए भी एक माबूद बना दो। फरमाया कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो, ये लोग जिस शगल में फंसे हुए हैं वो बर्बाद होने वाला है, और जो काम ये करते हैं सब बेहुदा है। फरमाया, क्या मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं, हालांकि उसने तुमको तमाम अहले आलम पर फजीलत बख्शी है। और हमारे उन एहसानों को याद करो जब हमने तुमको फिरौनियों के हाथ से नजात बख्शी, वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और हमने मूसा से 30 रात की मियाद मुकर्रर की और 10 रातें और मिलाकर उसे पूरा चिल्ला कर दिया, तो उसके परवरदिगार की 40 रात की मियाद पूरी हो गई। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरे कोहेतूर पर जाने के बाद तुम मेरी कौम में मेरे जानशी हो, और उनकी इसलाह करते रहना और शरीरों के रस्ते पर न चलना। और जब मूसा हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर कोहेतूर पर पहुंचे
और उनके परवरदिगार ने उनसे कलाम किया तो कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे अपना जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार करूं। फरमाया कि तुम मुझे हरगिज ना देख सकोगे, हाँ पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर ये अपनी जगह पर कायम रहा तो तुम मुझको देख सकोगे। फिर जब उनके परवरदिगार ने पहाड़ पर तजल्ली की तो उसको रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो कहने लगे कि तेरी जात पाक है और मैं तेरे हुजूर में तौबा करता हूँ और जो ईमान लाने वाले हैं उनमें सबसे अव्वल हूँ। फरमाया, ऐ मूसा, मैंने तुमको अपने पैगाम और अपने कलाम से नवाज कर लोगों से मुमताज किया है, तो जो मैंने तुमको अता किया है उसे थामे रखो और मेरा शुक्र बजा लाओ। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिख दी। फिर इरशाद फरमाया कि उसे मजबूती से थामे रहो और अपनी कौम से भी कह दो कि इन बातों पर बहुत अच्छी तरह अमल करें। मैं अनकरीब तुमको नाफरमान लोगों का घर दिखाऊंगा। जो लोग जमीन में नाहक तकब्बुर करती हैं उनको अपनी आयतों से फेर दूंगा। अगर ये सब निशानियां भी देख लें तब भी उन पर ईमान न लाएं, और अगर भलाई का रास्ता देखें तो उसे अपना रास्ता न बनाएं, और अगर बुराई की राह देखें तो उसे रास्ता बना लें। ये इसलिए कि इन्होंने हमारी आयत को झुठलाया और उनसे गफलत करते रहे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को झुठलाया उनके अमाल जाया हो जाएंगे। ये जैसे अमल करते हैं वैसा ही इनको बदला मिलेगा। और मूसा के बाद उनकी कौम ने अपने जेवर से एक बछड़ा बना लिया, वो एक जिस्म था जिसमें से बैल की आवाज निकलती थी। उन लोगों ने यह ना देखा कि वो न उनसे बात कर सकता है और न उनको रास्ता दिखा सकता है, उसको उन्होंने माबूद बना लिया और अपने हक में जुल्म किया। और जब वो नादिम हुए और देखा कि गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार हम पर रहम नहीं करेगा और हमको मुआफ नहीं फरमाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और जब मूसा अपनी कौम में निहायत गुस्से और अफसोस की हालत में वापस आए तो कहने लगे कि तुमने मेरे बाद बहुत ही बुरा काम किया, क्या तुमने अपने परवरदिगार का हुक्म जल चाहा? ये कहा और शिद्दत गजब से तौरात की तख्तियां डाल दी और अपने भाई का सर पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। उन्होंने कहा कि भाईजान, लोग तो मुझे कमजोर समझते थे और करीब था कि कत्ल कर दें, तो ऐसा काम न कीजिए कि दुश्मन मुझ पर हंसें और मुझे जालिम लोगों में शामिल न समझिए। उन्होंने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को मुआफ कर दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर, तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया था उन पर उनके परवरदिगार का गजब वाक़े होगा और दुनिया की जिंदगी में जिल्लत नसीब होगी। और हम इफ्तरा परदाजों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और जिन्होंने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए तो कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार उसके बाद बख्श देगा कि वो बख्शने वाला मेहरबान है। और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो तौरात की तख्तियां उठा ली और जो कुछ उनमें लिखा था वो उन लोगों के लिए जो अपने परवरदिगार से डरते हैं हिदायत और रहमत थी। और मूसा ने उस मियाद पर जो हमने मुकर्रर की थी अपनी कौम के 70 आदमी मुंतखब करके कोहेतूर पर हाजिर किए। फिर जब उनको जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा ने कहा कि ऐ परवरदिगार, अगर तू चाहता तो इनको और मुझको पहले ही से हलाक कर देता, क्या तू इस फेल की सजा में जो हम में से बेअक्ल लोगों ने किया है हमें हलाक कर देगा? ये तो तेरी आजमाइश है, इससे तू जिसको चाहे गुमराह रहने दे और जिसे चाहे हिदायत बख्शे। तू ही हमारा कारसाज है, सो हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हम पर रहम कर, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है, और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी, हम तेरी तरफ रुजू हो चुके। फरमाया कि जो मेरा अजाब है उसे तो जिस पर चाहता हूं नाजिल करता हूं और जो मेरी रहमत है वो हर चीज को शामिल है। मैं इसको उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो परहेजगारी करते और जकात देते और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, वो लोग जो उस रसूल यानी नबी उम्मी की पैरवी करते हैं जिनके औसाफ को वो अपने हाथ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उन्हें नेक काम का हुक्म देते हैं और बुरे काम से रोकते हैं, और पाक चीजों को उनके लिए हलाल करते हैं और नापाक चीजों को उन पर हराम ठहराते हैं, और उन पर से बोझ और तौक जो उनके सर पर और गले में थे उतारते हैं। तो जो लोग उन पर ईमान लाए और उनकी रिफाकत की और उन्हें मदद दी और जो नूर उनके साथ नाजिल हुआ है उसकी पैरवी की, वही मुराद पाने वाले। ए नबी, कह दो कि लोगों, मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का भेजा हुआ हूं जो आसमानों और जमीन का बादशाह है,
उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदगानी बख्शता है और वही मौत देता है। तो अल्लाह पर और उसके रसूल पैगंबर उम्मी पर, जो अल्लाह पर और उसके तमाम कलाम पर ईमान रखते हैं, ईमान लाओ और उनकी पैरवी करो ताकि हिदायत पाओ। और कौम मूसा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक का रास्ता बताते हैं और उसी के मुताबिक इंसाफ करते हैं। और हमने उनको यानी बनी इसराइल को अलग अलग करके 12 कबीले और बड़ी बड़ी जमातें बना दिया। और जब मूसा से उनकी कौम ने पानी तलब किया तो हमने उनकी तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी पत्थर पर मार दो, तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और सब लोगों ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया। और हमने उनके सरों पर बादल को सायबान बनाए रखा और उन पर मन्नु सलवा उतारते रहे और उनसे कहा कि जो पाकीजा चीजें हम तुम्हें देते हैं उन्हें खाओ। और उन लोगों ने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया बल्कि जो नुकसान किया अपना ही किया। और याद करो जब उनसे कहा गया कि उस शहर में सुकूनत इख्तियार कर लो और उसमें जहां से जी चाहे खाना पीना, और हां शहर में जाना तो हिद्दतुन कहना और दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करते हुए, तो हम तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। मगर जो उनमें जालिम थे उन्होंने उस लफ्ज को जिसका उनको हुक्म दिया गया था बदलकर उसकी जगह और लफ्ज कहना शुरू किया, तो हमने उन पर आसमान से अजाब भेजा इसलिए कि वो जुल्म करते थे। और उनसे उस गांव का हाल तो पूछो जो लबे दरिया वाके था जब वो लोग हफ्ते के दिन के बारे में हद से तजावुज करने लगे, जबकि उनके तातील के दिन यानी सनीचर को मछलियां उनके सामने पानी के ऊपर आती और जब हफ्ते का दिन न होता तो ना आती। इसी तरह हम उन लोगों को उनकी नाफरमानियों के सबब आजमाइश में डालने लगे। और जब उनमें से एक जमात ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह हलाक करने वाला या सख्त अजाब देने वाला है, तो उन्होंने कहा इसलिए कि तुम्हारे परवरदिगार के सामने माजरत कर सकें और अजब नहीं कि वो परहेजगारी इख्तियार करें। फिर जब उन्होंने उन बातों को फरामोश कर दिया जिनकी उनको नसीहत की गई थी, तो जो लोग बुराई से मना करते थे उनको हमने नजात दी और जो जुल्म करते थे उनको बुरे अजाब में पकड़ लिया कि नाफरमानी किए जाते थे। गरज जिन आमाले बद से उनको मना किया गया था जब वो उन पर इसरार और सरकशी करने लगे, तो हमने उनको हुक्म दिया कि जलील बंदर हो जाओ। और उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने यहूद को आगाह कर दिया था कि वो उन पर कयामत तक ऐसे शख्स को मुसल्लत रखेगा जो उनको बुरी बुरी तकलीफें देता रहे, बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अजाब करने वाला है और वो बख्शने वाला मेहरबान भी है। और हमने उनको जमात जमात करके मुल्क में मुंतशिर कर दिया, बाज उनमें से नेकुकार हैं और बाज और तरह के यानी बदकार। और हम आसाइशों और तकलीफों दोनों से उनकी आजमाइश करते रहे ताकि हमारी तरफ रुजू करें। फिर उनके बाद नाखलफ उनके कायम मकाम हुए जो किताब के वारिस बने। ये लोग इस हकीर दुनिया का मालूमता ले लेते हैं और कहते हैं कि हम बख्श दिए जाएंगे, और अगर इनके सामने भी वैसा ही माल आ जाता है तो वो भी उसे ले लेते हैं। क्या इनसे किताब की निस्बत अहद नहीं लिया गया था कि अल्लाह पर सच के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे, और जो कुछ इस किताब में है उसको उन्होंने पढ़ भी लिया है, और आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बेहतर है, क्या तुम समझते नहीं? और जो लोग किताब को मजबूत पकड़े हुए हैं और नमाज का एहतमाम करते हैं उनको हम अजर देंगे कि हम नेकुकारों का अजर जाया नहीं करते। और जब हमने उनके सरों पर पहाड़ उठा खड़ा किया गोया वो सायबान था और उन्होंने ख्याल किया कि वो उन पर गिरता है, तो हमने कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे जोर से पकड़े रहो और जो उसमें लिखा है उसे याद रखो ताकि परहेजगार बन जाओ। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से उनकी औलाद निकाली, तो उनसे खुद उनके मुकाबले में इकरार करा लिया यानी उनसे पूछा क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? वो कहने लगे क्यों नहीं, हम गवाह हैं कि तू हमारा परवरदिगार है। ये इकरार इसलिए कराया था कि कयामत के दिन कहीं यूं ना कहने लगो कि हमको तो उसकी खबर ही ना थी, या ये ना कहो कि शिर्क तो पहले हमारे बड़ों ने किया था और हम तो उनकी औलाद थे जो उनके बाद पैदा हुए, तो क्या जो काम अहले बातिल करते रहे उसके बदले तू हमें हलाक करता है? और इसी तरह हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि ये रुजू करें। और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता फरमाई और उसको इल्म के लबादे से आरास्ता किया तो उसने उसको उतार फेंका।
फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में हो गया, और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जे को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ मायल हो गया और अपनी ख्वाहिश के पीछे चल पड़ा, तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई कि अगर उस पर हमला करो तो जबान निकाले रहे, या उसे यूं ही छोड़ दो तो भी जबान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, तो उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वो फिक्र करें। जिन लोगों ने हमारी आयतों की तकजीब की उनकी मिसाल बुरी है, और उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही राहयाब है, और जिसको गुमराह रहने दे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोजख के लिए पैदा किए हैं, उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए। यही वो हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और अल्लाह के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसको उन्हीं नामों से पुकारा करो, और जो लोग उसके नामों में कजी इख्तियार करते हैं उनको छोड़ दो, वो जो कुछ कर रहे हैं अनकरीब उसकी सजा पाएंगे। और हमारी मखलूकात में से वो लोग भी हैं जो हक का रास्ता बताती हैं और उसी के मुताबिक इंसाफ करती हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया उनको हम बतदरीज इस तरह पकड़ेंगे कि उनको मालूम ही नहीं होगा, और मैं उनको मोहलत दिए जाता हूं, मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि उनके रफीक यानी पैगंबर को किसी तरह का भी जुनून नहीं है, वो तो साफ साफ खबरदार करने वाले हैं। क्या उन्होंने आसमान और जमीन की बादशाहत में और जो चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं उन पर नजर नहीं की, और इस बात पर ख्याल नहीं किया कि अजब नहीं कि उनकी मौत का वक्त नजदीक पहुंच गया हो, तो उसके बाद वो और किस बात पर ईमान लाएंगे। जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं, और वो इन गुमराहों को छोड़े रखता है कि अपनी सरकशी में पड़े बहकते रहे। ये लोग तुमसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि इसके वाकई होने का वक्त कब है, कह दो कि इसका इल्म तो मेरे परवरदिगार ही को है, वही इसे इसके वक्त पर जाहिर कर देगा, वो आसमान और जमीन में एक भारी बात होगी और नागहां तुम पर आ जाएगी। ये तुमसे इस तरह दरियाफ्त करते हैं कि गोया तुम इससे बखूबी वाकिफ हो, कहो कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते। कह दो कि मैं अपने फायदे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता मगर वो जो अल्लाह चाहे, और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो बहुत से फायदे जमा कर लेता और मुझको कोई तकलीफ ना पहुंचती। मैं तो मोमिनों को डर और खुशखबरी सुनाने वाला हूं। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे राहत हासिल करे, सो जब वो उसके पास जाता है तो उसे हल्का सा हमल रह जाता है और वो उसके साथ चलती फिरती है। फिर जब वो बोझ महसूस करती है यानी बच्चा पेट में बड़ा होता है, तो दोनों मियां बीवी अपने परवरदिगार अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि अगर तू हमें सही और सालिम बच्चा देगा तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। फिर जब वो उनको सही और सालिम बच्चा देता है तो उस बच्चे में जो वो उनको देता है उसका शरीक मुकर्रर करते हैं, सो जो शिर्क वो करते हैं अल्लाह का रुतबा उससे बुलंद है। क्या वो ऐसों को शरीक बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए जाते हैं, और न उनकी मदद की ताकत रखते हैं और न अपनी ही मदद कर सकते हैं, और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो तुम्हारा कहा ना माने। तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम उनको बुलाओ या चुपके हो रहो। मुशरिको, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे ही हैं। अच्छा, तुम उनको पुकारो, अगर सच्चे हो तो चाहिए कि वो तुमको जवाब भी दें। भला उनके पांव हैं जिनसे चलें, या हाथ हैं जिनसे पकड़ें, या आंखें हैं जिनसे देखें, या कान हैं जिनसे सुने? कह दो कि अपने शरीकों को बुला लो और मेरे बारे में जो तदबीर करनी हो कर लो, और मुझे कुछ मोहलत भी ना दो, फिर देखो कि वो मेरा क्या कर सकती हैं। मेरा मददगार तो अल्लाह ही है जिसने किताबे बरहक नाजिल की, और वो नेक लोगों को दोस्त रखता है, और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो ना तुम्हारी मदद की ताकत रखते हैं और ना खुद अपनी ही मदद कर सकते हैं, और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो सुन ना सके, और तुम उन्हें देखते हो कि बजाहिर आंखें खोले तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मगर फिल वाके कुछ नहीं देखते। ए नबी, अफ वो दरगुजर इख्तियार करो,
और नेक काम करने का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कर लो। और अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में किसी तरह का वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक वो सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। जो लोग परहेजगार हैं जब उनको शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा होता है तो चौंक पड़ते हैं और दिल की आंखें खोलकर देखने लगते हैं, और इन कुफार के भाई इन्हें गुमराही में खींचे जाते हैं, फिर उसमें किसी तरह की कोताही नहीं करते। और जब तुम उनके पास कुछ दिनों तक कोई आयत नहीं लाते तो कहते हैं कि तुमने अपनी तरफ से क्यों नहीं बना ली। कह दो कि मैं तो उसी हुक्म की पैरवी करता हूं जो मेरे परवरदिगार की तरफ से मेरे पास आता है। यह कुरान तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से दानिश व बसीरत और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजिजी और खौफ से और पस्त आवाज से सुबह शाम याद करते रहो, और देखना गाफिल ना होना। जो लोग तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वो उसकी इबादत से रूगर्दानी नहीं करते और उस पाक जात को याद करते और उसके आगे सजदे करते रहते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी, मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के माल के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और वो जो नमाज कायम करते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं, और इनके लिए इनके परवरदिगार के यहां बड़े बड़े दर्जे हैं और बख्शिश और इज्जत की रोजी है। इन लोगों को अपने घरों से उसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला। और उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी, वो लोग हक बात में उसके जाहिर होने के बाद तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ हांके जाते हैं और उसे देख रहे। और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के दो गिरोहों में से एक गिरोह तुम्हारे लिए मगलूब हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशान व शौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट दे ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, गो मुशरिक नाखुश ही हूं। जब तुम लोग अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम हजार फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। और उस मदद को अल्लाह ने महज बिशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल उससे इत्मीनान हासिल करें, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है, बेशक अल्लाह गालिब है हिकमत वाला है। जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नीम की चादर ओढ़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसा दिया ताकि तुमको उससे नहलाकर पाक कर दे और शैतानी नजासत को तुमसे दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और उससे तुम्हारे पांव जमाए रखे। जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहें, मैं अभी काफिरों के दिलों में रोब हैबत डाले देता हूं, सो उनकी गर्दनें उड़ा दो और उनकी पोर पोर तोड़ दो। ये सजा इसलिए दी गई कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो अल्लाह भी सख्त अजाब देने वाला है। ये मजा तो यहां चखो और ये समझ लो कि काफिरों के लिए आखिरत में दोजख का अजाब भी तैयार है। ऐ अहले ईमान, जब मैदान जंग में कुफार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ न फेरना, और जो शख्स जंग के रोज इस सूरत के सिवा के लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले यानी हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फौज में जा मिलना चाहे, उनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गया, और उसका ठिकाना दोजख है और वो बहुत ही बुरी जगह है। बस तुम लोगों ने उन कुफार को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। और ए नबी, जिस वक्त तुमने कंकरियां फेंकी थीं तो वो तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी,
इससे गरज ये थी कि मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आजमा ले, बेशक अल्लाह सुनता है जानता है। हुआ भी यूं ही और कुछ शक नहीं कि अल्लाह काफिरों की तदबीर को कमजोर कर देने वाला है। काफिरों, अगर तुम फैसला चाहते हो तो तुम्हारे पास फैसला आ चुका, अगर तुम अपने अफाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो हम भी फिर तुम्हें अजाब करेंगे, और तुम्हारी जमात खाह कितनी ही बड़ी हो तुम्हारे कुछ भी काम ना आएगी, और अल्लाह तो मोमिनों के साथ है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी न करो, जबकि तुम सुनते भी हो, और उन लोगों जैसे न होना जो कहते हैं कि हमने सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के नजदीक तमाम जानदारों में बदतरीन वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते, और अगर अल्लाह उनमें खैर की तलब देखता तो उनको सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर यूं ही उन्हें सुनवा देता तो वो मुंह फेर कर भाग जाते। मोमिनों, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कबूल करो, जबकि रसूल तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाते हैं जो तुमको जिंदगी जाविदा बख्शता है, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है, और ये भी कि तुम सब उसके रूबरू जमा किए जाओगे, और उस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ उन्हीं लोगों पर वाकई न होगा जो तुम में गुनाहगार हैं, और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। और उस वक्त को याद करो जब तुम जमीन मक्का में कलील और जईफ समझे जाते थे और डरते रहते थे कि लोग तुम्हें उड़ा न ले जाएं, यानी खत्म न कर दें, तो उसने तुमको जगह दी और अपनी मदद से तुमको तकवियत बख्शी और पाकीजा चीजें खाने को दी ताकि उसका शुक्र करो। ऐ ईमान वालो, न तो अल्लाह और रसूल से खयानत करो और न अपनी अमानतों में खयानत करो, और तुम इन बातों को जानते हो, और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, और ये कि अल्लाह के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। मोमिनो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए हक और बातिल का फर्क जाहिर कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और उस वक्त को याद करो जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें या जान से मार दें या वतन से निकाल दें, तो उधर तो वो चाल चल रहे थे और इधर अल्लाह तदबीर कर रहा था, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं ये कलाम हमने सुन लिया है, अगर हम चाहें तो इसी तरह का कलाम हम भी कह दें, और ये है ही क्या, सिर्फ अगले लोगों की हिकायतें हैं। और जब उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई और तकलीफ देने वाला अजाब भेज दे, और अल्लाह ऐसा न था कि जब तक है पैगंबर तुम उनमें थे उन्हें अजाब देता, और न ऐसा है कि वो तो बख्शिश मांगे और अल्लाह उन्हें अजाब दे, और अब उनके लिए कौन सी वजह है कि वो उन्हें अजाब न दे, जबकि वो मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से रोकते हैं, जबकि वो उस मस्जिद के मुतवल्ली भी नहीं है, इसके मुतवल्ली तो सिर्फ परहेजगार हैं, लेकिन इनमें के अक्सर नहीं जानते, और इन लोगों की नमाज खाने काबा के पास सीटियां और तालियां बजाने के सिवा कुछ न थी, तो तुम जो कुफ्र करते थे अब उसके बदले अजाब का मजा चखो। जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें, सो अभी और खर्च करेंगे मगर आखिर वो खर्च करना उनके लिए मूजिबे अफसोस होगा, और वो मगलूब हो जाएंगे और काफिर लोग दोजख की तरफ हांके जाएंगे, ताकि अल्लाह पाक से नापाक को अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रखकर एक ढेर बना दे, फिर उसको दोजख में डाल दे, यही लोग खसारा पाने वाले हैं। ऐ पैगंबर, कुफार से कह दो कि अगर वो अपने अफाल से बाज आ जाएं तो जो हो चुका वो उन्हें मुआफ कर दिया जाएगा, और अगर फिर वही हरकत करने लगेंगे तो अगले लोगों का जो तरीका जारी हो चुका है वही उनके हक में भी बरता जाएगा, और इन लोगों से लड़ते रहो यहां तक कि फितना यानी कुफ्र का फसाद बाकी न रहे और दीन सब अल्लाह ही का हो जाए, और अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह उनके कामों को देख रहा है, और अगर रूगर्दानी करें तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा हिमायती है और वो खूब हिमायती और खूब मददगार है।